स्टार्ट। गुड आफ्टरनून क्लास थ्री स्टूडेंट, अभी आप लोग उर्दू के क्लास में हैं और कल हम लोगों ने कुछ टेस्ट दिया था, टेस्ट पेपर टू लिया था जो कि सवाल नंबर 3 और 4 का था, तो उसको आज हम लोग उसका आंसर लिख रहे हैं, आप लोग मिला लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जाने से यही सब प्रॉब्लम होता है, ऐसा आ रहा है लोग नहीं समझ। देखिए पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए, बोतल में क्या रखा था। सवाल नंबर 2 है, चूहा बोतल से नीचे क्यों उतर आया। जीम है, एक दिन अम्मी ने उस्ताद के बारे में क्या बताया। दाल है, उस्ताद हमें कौन सी कीमती चीज़ देते हैं। सवाल नंबर 2 या बे है, नीचे लिखे अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए, इल्म तोहफा इज्जत सलीका शोहरत। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देख लीजिए सही से इन सवालों को। तो ये देखिए पहला सवाल है, बोतल में क्या रखा था। तो आंसर आपको मालूम है, बोतल में क्या रखा था, बोतल में शहद रखा था। तो सवाल नंबर 1 का जवाब हो जाएगा, बोतल में शहद रखा था। सवाल नंबर 2 है, चूहा बोतल से नीचे क्यों उतर आया। सवाल नंबर 2 है, चूहा बोतल से नीचे क्यों उतर आया। जवाब होगा, शहद खाने की तरकीब सोचने के लिए चूहा बोतल से नीचे उतर आया। क्या जवाब होगा, शहद खाने की तरकीब सोचने के लिए चूहा बोतल से नीचे उतर आया। सवाल नंबर 3 है, एक दिन अम्मी ने उस्ताद के बारे में क्या बताया। जवाब होगा, एक दिन अम्मी ने उस्ताद के बारे में बताया कि हमें उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। सवाल नंबर 3, एक दिन अम्मी ने उस्ताद के बारे में क्या बताया। जवाब, एक दिन अम्मी ने उस्ताद के बारे में बताया कि हमें उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 है, उस्ताद हमें कौन सी कीमती चीज़ देते हैं। उस्ताद हमें कौन सी कीमती चीज़ देते हैं। उस्ताद हमें इल्म जैसी कीमती शय देते हैं। उस्ताद हमें इल्म जैसी कीमती शय देते हैं। अब यहाँ है सवाल नंबर 2, बराबर है, नीचे लिखे अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। ये देखिए, ये लफ्ज सब है, इल्म है, तोहफा है, इज्जत है, सलीका है, शोहरत है, ये सारा गलत लिखा हुआ है, इसको हमें दुरुस्त करके लिखना है। तो इल्म का सही लफ्ज क्या होगा, ऐन से होगा, ऐन लाम मीम, इल्म। तोहफा ऐसे नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, तोहफा ऐसे होगा। यहाँ छोटी ही हे दी हुई है, तोहफा में बड़ी हे आएगा। इज्जत, इज्जत में जीन दिया हुआ है, जे आएगा, तो ये गलत है, ये सही है। सलीका, छोटी काफ दिया हुआ है, बड़ी काफ होगा और हे लगेगा बाद में, सलीका। शोहरत, बड़ी हे दिया हुआ है, छोटी हे होगा, शोहरत, ठीक है। तो ये था, एक बार और देख लीजिए, इल्म कैसे लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है। तोहफा, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है। इज्जत, ये गलत है, ये सही लिखा हुआ है। सलीका, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है, सलीका होगा। शोहरत, ये गलत लिखा हुआ है, ये शोहरत, ये सही है। तो ये आपका सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, जो कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था, इसको आप लोग मैच कर लें और मुझे सेंड करेंगे। तो आज हम क्लास स्टॉप करते हैं, थैंक यू।